ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैवो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समपेताजुच्छवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र पचारे हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध करिबा इच्छा एकत्रित होइतिबा मोर ओ पांडुकर पुत्र माने कौन कले। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचन वचनमवब्रीत्। संजय कहिले, युद्धारंभ समय रे राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखी द्रोणाचार्य पाखक जाए कहिले, पश्युतां पांडवपुत्राणाम आचार्य महतीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमिता। हे आचार्य, आपणंक बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह कारणे सज्जित पांडवपुत्र मानंकर एहि विराट सेना को देखन्तु। अत्र सुरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि जुजुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चितानः काश्चिराजश्च विद्यमान पुरजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः जुधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च विद्यमान शोभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। एही सेनारे महा महा धनुर्धारी तथा युद्धरे भीम अर्जुनंक समान सुरवीर सत्यकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्य मानंक मध्यरे श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी पांच पुत्र द्रौपदीक पांच पुत्र अछन्ति। एमाने समस्ते महारथी। अस्माकं तु विशिष्टा जेतानि बुद्ध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संघातं तानि बप्रिमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आम पक्षरे भी जेहु प्रधान योद्धा मान अछन्ति सेमानंक भी आपण जानि निहंतु। आपणंक जानिबा निमन्ते मो सेनार जेहु सेनापति मान अछन्ति सेमानंक नाम कहुछि। भवान विस्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वथामा विकर्णश्च सोमदतिस्तैव च। आपण द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा सेहिपरि अश्वथामा विकर्ण सोमदत्तंक पुत्र भूरिश्रवा एवं अन्य च बहवः सुरा मद्यर्थ त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। एमानंक छड़ा मो पई जीवन आशा त्याग कर देथिबा आहुरी बहु सुरवीर मध्य नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र सज्जित हो उपस्थित अछन्ति से समस्त युद्ध रे निपुण। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्मादि रक्षितं पर्याप्तं द्विधमेतासं बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्मंक द्वारा रक्षित आंभ मानंकर सेना अपरिमित अर्थात सबु दृष्टिरु अजय। भीमंक द्वारा रक्षित एमानंक सेना परिमित एहाकु जय करिबा अति सहज। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थित भीष्मभो विरक्षन्तु भर्वतः सर्व एव हि। तेणु सकल व्यूह द्वारा निज निज स्थान रे रही आपण माने समस्ते निश्चित भाव रे भीष्म पितामह को ही सकल दिगरु रक्षा करंतु। तस्सिं संजनयन हर्षिं कुरुप्रुध पितामह सिंहनादं विनोदौ च शंखं दद्मो प्रतापवान। कुरुप्रुध महाप्रतापी पितामह भीष्म दुर्योधनंक हृदय रे हर्ष उपन कराय उच्च स्वर रे सिंहनाद परि गर्जन करी शंख बजाइले। ततः शंखाश्च फेर्जश्च पणवान गोमुखी सहस्यैव विहनंत स सप्तस्तु मूलोद्भवत। तापरे बहु शंख भेरी नागरा मर्तल रणसिंह आदि वाद्य एक संगे बाजी उठिला। से सब शब्द अति भयंकर थिला। ततः सैतर्ज हर्जुक्ते महति संदेने स्थित माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्तमौ। तापरे धड़ा घोड़े जोग जाइथिबा उत्तम रथर बसी श्रीकृष्ण परमात्मा और अर्जुन मध्य निज निजर दिव्य शंख बजाइले।